ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସମରକନ୍ଦରେ ଏସୀୟ ମିଟ୍ ଆରମ୍ଭ। ଏସୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ଭାରତରେ 70,000ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେବ। ଆଗକୁ ଭାରତ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ ହେବ। ଆମେ ଆପୋଷ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଅନୁଭବ ଏସୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। କରୋନା କାଳରେ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସୀୟର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଉପରେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ଭାରତ ଜୋର୍ ଦେଉଛି। ମେଡିକାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ହବ୍ ପାଲଟୁଛି ଭାରତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସୀୟ ମିଟ୍ ପରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହାପରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ମୋଦି। आज जब पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, एसईओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एसईओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एसईओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 77.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके